देखिए, जो आज टैंकपुरा बाईपास पे जो एक्सीडेंट हुआ, वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट। अनफॉर्चुनेटली इसमें जो दो बच्चों की डेथ भी हो गई है, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलर केस को एनालाइज करेंगे, इसमें आप देखेंगे ये स्कूल के बच्चे थे, चारों जो इस गाड़ी में सवार थे, चारों एक पर्टिकुलर स्कूल के बच्चे थे। जी, इसमें जो मसला, जो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पेरेंट्स ने, अगर माइनर ये हैं, तो इनको एक्सेस क्यों दी फोर व्हीलर की? सबसे बड़ा तो सवाल यही है कि पेरेंट्स ने एक्सेस क्यों दी फोर व्हीलर की? अगर ये एक्सेस नहीं दी होती तो ये एक्सीडेंट जो हुआ, अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट, ये हुआ ना, होता ही नहीं। मेरे हिसाब से जो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जो प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जो अवलीन फर्ज है, वो पेरेंट्स का है कि अगर माइनर है, लाइसेंस नहीं है, इसको आप एक्सेस नहीं दे टू व्हीलर या फोर व्हीलर की, तो पहले तो ये बात है। दूसरा, इसमें जो फुटेज भी जो इसमें आई है, आप देखेंगे तेज रफ्तारी से, काफी तेज रफ्तारी से ये जो गाड़ी जो चल रही थी, उसके बाद गाड़ी हिट होती है और फिर डिवाइडर पे चढ़ जाती है। तो दो पर्टिकुलर चीजें हैं कि अगर स्पीड इतनी नहीं होती तो मे बी इवेजिव एक्शन अगर ये लेते बच्चे, तो मे बी कहीं ना कहीं पे बचने का चांस था। लेकिन स्पीड इतनी थी कि उसमें इवेजिव एक्शन ने भी कुछ ज्यादा काम नहीं किया। तो बारहा मेरी गुजारिश रही है, आई बीन रिक्वेस्टिंग पेरेंट्स ऑल अक्रॉस, कि बराए करम ये जो माइनर्स हैं, इनको आप टू व्हीलर या फोर व्हीलर की एक्सेस नहीं दें। मैं बारहा गुजारिश करता हूँ लोगों से। दूसरा, हम काफी सारी एक्टिविटीज ऑन रोड करते हैं जहाँ पे हम ये जो माइनर जो ड्राइव करते हैं, तो इन गाड़ियों को हम सीज करते हैं, हम रोकते हैं, हम काउंसिल करते हैं। लेकिन श्रीनगर सिटी में अगर आप ना टोटल ओवरऑल गाड़ियों का अगर आप तादाद देखें, तो वी हैव इन एक्सेस ऑफ 5 लाख प्लस गाड़ियां जो चलती हैं श्रीनगर सिटी में। तो इट इज नॉट पॉसिबल कि हम हर किसी जो है रोड यूजर को इन वन वो हम जाके उनसे बात कर सकेंगे या उनको पकड़ के काउंसिल कर सकते हैं। तो हमने भी काफी देर पहले भी और कंटिन्यूसली एफर्ट रहा है कि सोशल मीडिया या मीडिया को यूज करके, जो हम एक हम एंडेवर यहाँ पे हमारा रहा कि जो हम वॉइस इस पर्टिकुलर चीज को करें कि इट्स एरिया ऑफ कंसर्न कि माइनर्स को आप टू व्हीलर या फोर व्हीलर के एक्सेस नहीं दें। प्रेस के जो मीडियम से हम चाहते थे कि लोगों में यह बात पहुंचे और पेरेंट्स इस पर्टिकुलर चीज को रोकें। सेकंड जो इशू इसमें यह है कि स्कूल्स, हाउ डू द स्कूल्स अलाउ दीज माइनर्स टू कम इन टू व्हीलर या फोर व्हीलर? आपको पता है कि माइनर है स्कूल में, जो 10th या 11th या 12th में है, 18 ईयर्स ऑफ एज का नहीं है, लेकिन ये टू व्हीलर में पे या फोर व्हीलर पे स्कूल आता है। तो स्कूल्स में ये एक नॉर्मल चीज बनी है। तो कहीं ना कहीं पे पेरेंट्स, स्कूल और ट्रैफिक पुलिस, हम अपने लेवल पे करते करते हैं। तो इट हैज टू बी कोऑपरेटिव एफर्ट, हर किसी का एक पेज पे ही रह के अगर हम इस पे काम करें। हम अपने लेवल पे कर रहे हैं, बट देन द क्वेश्चन इज, आर द पेरेंट्स डूइंग एनफ? इज द स्कूल जो भी है, आर दे डूइंग इट एनफ टू स्टॉप दिस? जब तक इस पर्टिकुलर चीज पे हर किसी का जो है ना थ्रस्ट नहीं रहेगा, तब तक इसको पूरी तरह से कंट्रोल करना इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो दैट इज वाई बारहा बारहा हमारी गुजारिश रही है पेरेंट्स से, और हम स्कूल्स में भी जाते हैं और वहाँ पे जो स्कूल्स का जो वहाँ पे स्टाफ है और दी एडमिनिस्ट्रेशन, उनसे भी गुजारिश करते हैं कि ये जो माइनर्स हैं, इनको आप स्कूल आने नहीं दो टू व्हीलर्स पे। सेम इज एप्लीकेबल जो हमारे यहाँ पे कोचिंग सेंटर्स हैं, वहाँ पे माइनर्स जाते हैं, तो पेरेंट्स आर अलाउिंग देम टू गो टू दीज कोचिंग सेंटर्स। तो कहीं ना कहीं पे तो वी हैव टू स्टॉप दिस। अगर हमें ना इस पर्टिकुलर चीज को हम ना एनालाइज करेंगे, कहीं ना कहीं पे तो कोताही तो है। हमारी एक स्पेसिफिक लिमिटेशन है, जितनी हम एक पर्टिकुलर डे में चालान कर सकते हैं, गाड़ियों को सीज कर सकते हैं। इन वन डे हम, इफ यू एक्सपेक्ट कि हम 10,000 गाड़ियों को सीज करेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। हम एक स्पेसिफिक लिमिट ही ना क्रॉस कर पाते हैं, स्पेसिफिक लिमिट एक पर्टिकुलर दिन का। लेकिन अगर ये, सर,
sorry to interrupt, is there a way traffic police can, you know, just get in contact with schools or tuition centers for that matter? We see a lot of मैंने वही कहा ना आपको कि हमारा जो पर्टिकुलरली मेरा एक स्पेसिफिक मॉड्यूल है वेयर इन वी गो टू स्कूल्स, मैं बच्चों को प्रेजेंटेशन भी दिखाता हूँ वहाँ पे कि क्या क्या इशू हो रहा है. एंड आई हैव बीन रिक्वेस्टिंग स्कूल्स थ्रू आउट कि दैट इम्पोर्टेंस ऑफ द स्कूल कि इन इस पर्टिकुलर जो टू व्हीलर या फोर व्हीलर पे स्कूल आते हैं इनको रोकना. You know, collaborative effort, it has to be collaborative effect. Agar school wale bhi to ispe, they'll specifically tell the student ke aap agar ispe aoge, hum aapko enter nahi karne denge. Dekhen, a classical case is ki bacha school aata hai aur na at the end of the month wo fee bhi na pay nahi karta hai. तो आप देखेंगे उनको बोलते हैं जी जब तक आप ना जो आपकी फीस है जब तक आप इसको ना पूरा यहाँ पर डिपॉजिट नहीं करेंगे हम आपको आने नहीं देंगे, एग्जाम में आपको अपेयर नहीं होने देंगे. दिस इज हाउ स्कूल्स कैन डू इट. या आप क्या जो है यहाँ पे स्कूल्स में जो अपना एग्जामिनेशन का जो पैटर्न होता है उसमें स्पेसिफिक नंबर किसी पर्टिकुलर इवेंट का रखते हैं, तो अगर आप ये नहीं करोगे तो आपके इसमें इतने मार्क्स डिडक्ट हो गए. स्कूल्स कैन डू अलॉट, इसमें कोई शक नहीं है, बट द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ पेरेंट्स. क्योंकि ये बच्चा जब घर से निकलता है तो टू व्हीलर पे निकलता है, इसमें जो पेट्रोल या डीजल लगता है ये तो पेरेंट ही देता है. So what are the parents actually doing? Are they doing enough? We are doing jitna hum kar sakte hain hum kar rahe hain aur usse zyada karenge.